Children, let's start with another lesson, lesson number 10, and that is the story of cricket. Now, you all very well know that cricket is a part of our day-to-day life now. It has become very common sport, interesting sport. It is famous throughout the world. Now, this is regarding the story ki cricket kaise start hua. Cricket ki history ke baare mein chapter, and it's also entertaining. Let's begin the chapter. स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. अभी हमारे हेल्थ अच्छे हेल्थ के लिए हमको क्या ज़रूरी है? स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ वन वे इन विच वी अज्यूम अवर सेल्फ, कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट. हम लोग अम्यूज़ करते हैं एक दूसरे को, यानी एंटरटेन करते हैं एक दूसरे के साथ, हेल्दी कॉम्पिटिशन रखते हैं और कंटिन्यूस रनिंग एंड कंटिन्यूस मेंटली भी अलर्ट रहते हैं, हम लोग फिजिकली भी अलर्ट रहते हैं, तो हम फिट रहते हैं. Among the various sports such as hockey, football, tennis, cricket appears to be most appealing national entertainment today. अभी ये सारे हैं, हॉकी भी है, टेनिस भी है, फुटबॉल भी है, ये सारे स्पोर्ट्स में से क्रिकेट अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई है. नेशन वाइड लोग इनको एंटरटेनमेंट के लिए एक्सेप्ट करने लगे हैं. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. कितना मगर हम लोग जानते हैं क्रिकेट के बारे में? क्या हम क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे शुरू हुई और तभी क्या रूल्स थे? चलो हम समझते हैं इस चैप्टर द्वारा. द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स. अभी 500 ईयर्स अगो क्रिकेट जब खेली गई थी इंग्लैंड में, तो उसको एक स्टिक एंड बॉल गेम बोला जाता था. स्टिक से खेला जाता था, बॉल है, और वो स्टिक को नाम दिया गया था बैट. बैट, द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. बैट का मतलब क्या होता है? या तो एक डंडा या तो एक क्लब जैसा मोटा वाला डंडा. बाय 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकग्निजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम. एकदम ही धीरे धीरे 17th सेंचुरी में बहुत जाना पहचाना गया था और उसको रिकग्नाइज किया था एक अलग ही गेम के हिसाब से. टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वेर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक. अभी 18th सेंचुरी के वक्त कैसे लगते थे बैट? बिल्कुल हॉकी स्टिक जैसे. हॉकी स्टिक आपने देखा है कर्विंग आउटवर्ड, ऐसे एक स्टिक होता है, बाद में ऐसे यू शेप में होता है, कर्व शेप में होता है. Curving outward at the bottom, नीचे से curve होता है. There was a simple reason for this. The ball was bowled under arm along the ground. अभी क्या करते थे? नीचे ऐसे ground पे डालते थे ball. ऊपर से हवा में से नहीं डालते थे, ऐसे नीचे डालते थे ground में. इसके लिए इसका shape ऐसे curved होता था. Under arm यानी नीचे ऐसे ground में slip करना है, straight straight ground में से डालना है. Along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. अब क्या करता था बैट्समैन? बैट्समैन जो होता था वो कॉन्टैक्ट तभी कर सकता था जब वो ग्राउंड से बॉल डाला जाता था. यू शेप का बैट होता था हॉकी जैसा, तो ईजिली वो उससे हिट कर सकता था. वन ऑफ द पिक्यूलियर यानी यूनिक फीचर्स ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days. अभी क्या जाना जाता है? टेस्ट मैच जो है 5 दिन तक चला जाता है एंड स्टिल इट एंड्स इन अ ड्रॉ. हो सकता है कोई भी टीम ना भी जीते 5 दिन खेलने के बाद भी. अभी ये पिक्चर में डेट के साथ में दिया गया है द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस नॉट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू द हॉकी स्टिक. ये देखो बिल्कुल ही हॉकी स्टिक्स की तरह दिखाई दे रहा है. ईयर कौन सा लिखा हुआ है? 1729. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट. अभी दूसरे सारे जो होते हैं जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, उसमें इतना सारा टाइम नहीं लगता है कम्प्लीट होने में, ख़त्म होने में. अब फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. ज़्यादातर फुटबॉल में कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर. इवन बेसबॉल कम्प्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच. अगर लिमिटेड ओवर की मैच होती है जैसे 50-20 से लिमिटेड ओवर की मैचेस जो होती है, ठीक है, उससे भी कम टाइम में अपना बेसबॉल फिनिश होता है. द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट. अभी लिमिटेड ओवर का मतलब है अभी क्रिकेट एकदम ही चेंज हो गई है.
T20 आ गई है, वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है जिससे टाइम जो है बहुत ही कम हो गया। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड। अभी पिच जो है उसकी जो लेंथ होती है उसको स्पेसिफाई कर किया गया है 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। अभी ग्राउंड का शेप और साइज इतना स्पेसिफाई किया गया नहीं है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। अब क्रिकेट में शेप कैसा होगा वो ज़रूरी नहीं है, अपनी हॉकी और फुटबॉल में डायमेंशन दिया जाता है कि प्लेइंग एरिया कैसा होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ड्रॉ, द मीनिंग ऑफ ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे कोई भी साइड जीतता भी नहीं और हारता भी नहीं है। अभी बेसबॉल यानी कौन सी गेम है ये? बेसबॉल जो है वो बहुत ही पॉपुलर गेम है USA की। उसको एक बैट और बॉल से खेला जाता है। दो गेम्स होता है, दो टीम्स होती है ऑफ 9 players ईच ऑन द फील्ड विद देयर फोर बेसिस के साथ में होता है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ दिया जाता है इसके अंदर फुटबॉल में। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में नहीं होता। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक एडलेड ओवल और नियरली सर्कुलर ओवल यानी एग शेप का लाइक चिपक इन चेन्नई। अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोशा कोटला इन दिल्ली। अभी अलग अलग ग्राउंड के बारे में बताया गया है कि हर एक ग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिफाइड? इट इज स्टैंडर्डाइज विद रूल्स एंड रेगुलेशन। क्रिकेट के जो रूल्स, अभी जब हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो हर एक गेम का अपना एक रूल और एक रेगुलेशन होता है। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। यानी क्रिकेट के लॉ पहले तो यूं ही खेलते थे बिना लॉ के, लेकिन किस तरीके से खेला जाएगा वो 1744 में डिसाइड किया गया। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। यानी जो भी आर्ग्यूमेंट होगा दो एम्पायर रखे जाएंगे, और इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो ये दो एम्पायर उसको सॉल्व करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एंड द बॉल अक्रॉस देम 6 inches। अभी बेल जो होगा वो 6 inch की दूरी पे होता है, वो आपने ऊपर देखा होगा। स्टम्प जो है 22 inches में लगाए जाते हैं दूरी में। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। अभी बॉल का कितना होना चाहिए वेट? 5 या 6 ounces जितना उसके बीच में होना चाहिए। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards। अभी दो स्टम्प्स दो बाजू लगाए जाते हैं, एक जहाँ पे बैटिंग होती है दूसरी जहाँ पे बॉलिंग होती है, तो वो दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए पक्का वो फिक्स है, दैट इज 22 yards। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म इन हैम्बलडन इन द 1760s and the Marylebone Cricket Club MCC was founded in 1787. सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब था वो 1760 में हुआ था, हैम्बलडन नाम था, और 1787 में मेरिलबोर्न हुआ था क्रिकेट क्लब, MCC बोला जाता था। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इज बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल। अभी यहाँ पे चेंजेस होने लगे, जो नीचे से ऐसे बॉल डाला जाता था अब उसको एयर में से यानी ऊपर से अब जैसे डाला जाता है वैसे हुआ था। रोलिंग इन द ग्राउंड स्टॉप हो गया था। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू एयर। अब लेंथ मिलने लग गया, यानी बैट्समैन जो है बॉल पिचेस के बीच में उनको दूर से भाग कर आते हैं और फिर वो जैसे बॉलिंग करते हैं उनको डिस्टेंस मिलने लग गया। अब डिसेप्शन थ्रू द एयर का मतलब है द बॉल इज़ नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हेंस इट इज़ पॉसिबल वेराइटी और डिसेप्शन इन बॉलिंग। यानी लोग अलग अलग वे में बॉलिंग कर सकते हैं, कोई स्पिनिंग करता है, कोई ऊपर से फेंकता है बॉल, यानी अभी अलग अलग वे में से। पहले ग्राउंड से डालते थे तो उनके पास इतना वैरायटी ऑप्शन नहीं था, अब उनको लेंथ का ऑप्शन मिल गया, डिसेप्शन का ऑप्शन मिल गया, प्लस इंक्रीज पेस, जगह भी मिलने लग गई।
कोई जल्दी फास्ट फेंकता था, कोई स्लो बॉलर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. स्पिनिंग का और स्विंगिंग का भी ऑप्शन मिलने लग गया. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सिलेक्शन. और बैट्समैन को भी सोचने का टाइम चाहिए रहता था कि उनको दिमाग लगाना पड़ता था कि कौन से टाइम पे कौन से बॉलर को चैलेंज करना है, ये बॉलर ऐसे डालेगा तो उनको भी टाइमिंग और शॉट कैसे लगाना है. वो जैसे वो लोग सिक्स मारते हैं, फोर मारते हैं, वैसे. वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन. सबसे बड़ा क्या था, वो जो कर्व्ड बैट था वो अब किससे होने लग गया, स्ट्रेट बैट से रिप्लेस होने लग गया. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5 ounces एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches. अभी वाइड कितना था बैट, 4 inch का था. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड. अभी ये नया रूल स्टार्ट कर दिया था 1774 में, फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाला. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. अभी थर्ड स्टम्प भी कॉमन होने लग गया. By 1780, 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. अभी 1780 में 3 दिन के लिए बड़ी मैच के लिए टाइम दिया गया था, 3 days का मैच होने लग गया था, और फर्स्ट 6-seam क्रिकेट टीम की भी शुरू होने लग गई थी. अभी इस शॉर्ट सिलेक्शन का मतलब है स्ट्रोक्स मारते हैं, जो हम लोग हिट करते हैं उसके लिए सिलेक्शन. इफ़ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोर्ड चेंज विद द चेंजिंग टाइम. अभी क्रिकेट की चीज़ें आप देखोगे, उसके सारे जो इक्विपमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्रिकेट कैसे बदलती गई. येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. जैसे रूरल इंग्लैंड में शुरू हुई थी क्रिकेट, उसके रूल्स ऑलमोस्ट सेम थे. जैसे ओरिजिनल हम लोग बोलते हैं, ओरिजिन जहाँ से इंग्लैंड से शुरू की गई थी वो तो वही रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े उनका जो इक्विपमेंट है वो चेंजेस आने लगे. क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल, यानी नेचुरल मटीरियल से बनाया जाता है. उस चीज़ को वो लोगों ने भूला नहीं है, इंडस्ट्री का कोई मटीरियल यूज़ नहीं किया गया है. अब बैट किससे बनाया जाता है, द बैट इज़ मेड विथ लेदर ट्वाइन एंड कॉक. अभी ये चीज़ों से बनाया जाता है बैट. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड. अभी भी हाथ से बनाई जाती है, ये नेचुरल चीज़ों से इंडस्ट्री में नहीं बनती है. द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर द टाइम. थोड़ा थोड़ा मटीरियल भी चेंज होने लगा है. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, यानी पहले ऐसे माना जाता है पूरा जो बैट है एक ही लकड़ी में से बनाना चाहिए. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, मगर अब 2 piece से बनाए जाते. द ब्लेड विच इज़ मेड अप ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, और वो जो ब्लेड है यानी नीचे का जो हिस्सा है वो स्पेशल विलो ट्री के लकड़े में से बनाया जाता है, और वो जो हैंडल है वो केन से बनाया जाता है जो अवेलेबल है यूरोपियन कॉलोनिस्ट में, यानी कॉलोनिस्ट यानी यूरोपियन कंट्रीज़. जो जैसे पहले इंडिया किसके अंडर था, किसके रूल के अंदर था, ब्रिटिश के अंडर था, वैसे ही ये सारा मटेरियल रॉ मटेरियल वो लोग यूरोपियन कॉलोनिस्ट का मतलब है वो लोग जिस जिस कंट्री में रूल करते थे वहाँ से वो लोग ये मटेरियल लिया करते थे. एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया. ये सारी ट्रेडिंग कंपनीज कहाँ पे हो गई, एस्टेब्लिश कहाँ पे शुरू होने लग गई, जम गई एशिया में. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस के अलावा क्रिकेट हैज़, अभी क्रिकेट के बारे में भी बताया. अभी यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो अ रफ एंड रेडी क्रिकेट टीम प्लेड इन अ विलेज इन हिमालय. अभी और देखो 1894 का पिक्चर है, होम मेड विकेट्स, घर पे बनाए हुए विकेट्स है, बैट है, रफ बिट ऑफ वुड में से ये बनाया गया है. ये बहुत प्यारा सा पिक्चर है पुराने टाइम का. Unlike golf and cricket, golf and tennis, cricket have refused to remake the tools with industrial or man-made materials. अभी cricket बोलते हैं कि industrial और man-made materials से हमको नहीं बनाना है cricket का सामान. Plastic, fiber, glass and metal have been firmly rejected. कौन सी चीज़ें नहीं use होगी, plastic नहीं use होगी,
फाइबर ग्लास यूज़ नहीं होगा, मेटल यूज़ नहीं होगा, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो यूज़ किया जाएगा। क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी चेंजेस सिर्फ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए ही यूज़ होने लगा है, यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड्स। पैड यानी जो पैरों में पहने जाते थे, जैसे वल्कनाइज रबर शुरू हो गया तो वो लोगों ने पैड बना के पहनना शुरू कर दिया पैर में, फिर हैंड ग्लोव्स हाथ में, हाथ को भी प्रोटेक्शन के लिए ग्लोव्स पहनने लग गए, क्योंकि बॉल बहुत स्पीड में आती है और वो सीजन बॉल होती है तो लगने का चांस भी ज़्यादा होता है, तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए शुरू हो गया। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट। अभी तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग को हेलमेट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर वो बॉल ज़ोरों से लग गई तो उससे बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है, तो अभी हेलमेट के बिना तो सोच ही नहीं सकते हैं। मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स, अभी सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल से बनाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ क्रिकेट, अभी पार्ट टू, द ओरिजिन ऑफ क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, दैट इज मुंबई कॉल राइट नाउ, एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस, दैट इज द पारसीज। अभी हम लोग जो माइनॉरिटीज बोलते हैं, तो अभी क्रिकेट की अपने कंट्री में कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंडियन कम्युनिकेटिव, दैट इज इन बॉम्बे, दैट इज मुंबई, और वहाँ पे पारसी लोगों ने शुरू किया था। ब्रॉट इंटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। अभी ये पहली वाली कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हो रही थी, वेस्टर्न यानी वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लग गई थी, वेस्टर्न गेम एक्सेप्ट किया उन्होंने और उनका अच्छा कॉन्टैक्ट था ब्रिटेन के साथ। The Parsis found the first Indian cricket club. अभी सबसे पहला इंडिया में क्रिकेट क्लब किसने शुरू किया था, पारसी लोगों ने शुरू किया था। पारसी लोगों ने कौन सा शुरू किया था, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन मुंबई, दैट इज बॉम्बे, इन 1848 में शुरू किया था। पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। अभी भी टाटा जो है बहुत ही फेमस है, उनको किसने स्पॉन्सर किया था, यानी अमाउंट जो मनी है वो क्लब के लिए किसने दिया था, टाटा और वाडियाज ने, बड़े बिजनेसमैन थे वो लोग। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। अभी वाइट यानी ब्रिटिशर्स का जो क्रिकेट टीम था, उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की, ये पारसी लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे, खेलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट ओनली क्लब। अभी उसमें से वाइट्स लोग अलाउड थे यानी ब्रिटिश अलाउड थे बॉम्बे जिमखाना में, अभी इंडियंस को अलाउड ही नहीं था। एंड द पारसी क्रिकेटर ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क। अब क्या हुआ था, पब्लिक पार्क यूज़ करते थे वो लोग। द पारसीज कंप्लेंट एट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर द क्रिकेट। अभी वो लोग को पार्क ही मिलता था खेलने के लिए जो उनके खेलने लायक नहीं था, क्योंकि पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डक अप द सरफेस। अभी क्या करते थे वो जो पोनीज यानी जो हॉर्स वगैरह थे, तो वो सब जो भागते थे तो उसकी वजह से वो खुद जाता, तो ज़मीन स्ट्रेट नहीं रहती थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज व प्रिजिडाइज, यानी वो लोग को पसंद नहीं आता था, दे डिसलाइक इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स। कंपैट्रियट्स का मतलब होता है फेलो कंट्रीमैन। अभी वो लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने कंट्रीमैन को सपोर्ट करते थे, इंडियन को यानी ये पारसीज को सपोर्ट करने रेडी नहीं थे। द पारसी बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो पारसी ने डिसाइड किया, पारसीज ने, कि हम अपना खुद का जिमखाना करेंगे। द राइवलरी बिटवीन द पारसी एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अभी इंडियन क्रिकेट जिसने शुरू की थी उनके लिए ये जो दुश्मनी थी वो पारसी और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, उनका हैप्पी एंडिंग आ गया जब वो लोग ने डिसाइड किया कि वो खुद के लिए एक जिमखाना खोलेंगे। अ पारसी टीम बेट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज lucky to have amongst its earlier leaders the great Parsi statesman and intellectual Dada Bhai Nauroji. अभी इसके अंदर क्या था कि ये जो पारसी जो टीम थी वो जीत गई थी बॉम्बे जिमखाना से 1889 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में जब ऑर्गेनाइजेशन हुई थी अंडर
पारसी स्टेट्समैन थे दादा भाई नवरोजी. आई शो यू द पिक. यू कैन सी दिस पिक इन योर टेक्स्ट बुक. दिस इज द पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूअर इंग्लैंड इन 1886 में टूअर करने गए थे. नोट दैट अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल क्रिकेट फ्लैनर्स दे वेयर पारसी कैप्स. अभी उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं, अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं और कैप भी पारसी की है. उन्होंने अपना ट्रेडिशन मेंटेन किया है. अभी यहाँ पे हम लोग इनका पिक देख सकते हैं. इनका नाम है पलवनकर बल्लू, बॉर्न इन 1875. एट द टाइम एन इंडियंस वर नॉट अलाउड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ द टाइम. ये स्लो बॉलर था तब के टाइम का ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, जब इंडिया को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने देते थे. मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल. अभी ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में बिलीव करने लग गया है मॉडर्न क्रिकेट. वन डे इंटरनेशनल भी खेली जाती है, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, नेशनल टीम्स के बीच में खेली जाती है. द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री. अभी हमें अभी भी याद है, उनकी मेमोरीज भी याद है जो हमारे कंट्रीज के लिए खेल चुके हैं वो वाले क्रिकेटर्स. द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इवन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. सी के नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम लिव्स ऑन इन पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ इट ग्रेट कॉन्टेम्प्रेरीज लाइक पलवनकर विट्ठल एंड पलवनकर बल्लू हैव बीन फॉरगॉटन. अभी आज भी उनको याद रखे गए हैं सेम टाइम के, जैसे पलवनकर विट्ठल है, पलवनकर बल्लू है, वो तो भूल जा चुके हैं. लेकिन सी के नायडू अभी भी लोगों की मेमोरी में, जो भी अच्छे से खेल चुके हैं उनकी मेमोरी भी अभी भी हमारे साथ है. इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन दिट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड एंड स्टार्टिंग इन 1932 हिज प्लेस इन इंडिया क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. उनका नाम क्यों याद रखा जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, वो कभी भी भूले नहीं जाएंगे. इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. अभी टेस्ट मैचेस खेलना कब शुरू किया इंडिया ने, 1932 में. अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. अभी इंडिपेंडेंट नेशन बने अ डिकेड एंड अ हाफ, उसके पहले वो टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे थे. नाउ दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नॉट द सोवरेन नेशंस. अभी वो पावर जो है, सुप्रीम पावर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अभी उसकी ओरिजिन 1877 में थी, एक कॉन्टेस्ट था और ब्रिटिश एम्पायर के अलग अलग जगह में होता रहता था. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. अभी वो भी ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉलोनी ही था, किसी के अंडर ही था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच खेली गई थी. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ करेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज. अभी वेस्ट इंडीज़ है, वो सारे आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ है करेबियन की और वो एक टीम बना चुकी थी वेस्ट इंडीज़. वो ब्रिटिश कॉलोनीज, वो भी ब्रिटिश के अंडर था जैसे इंडिया था, टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है. नाउ पार्ट थ्री, टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट. अब क्या हुआ, टेलीविजन आ गया, टेलीविजन की वजह से क्रिकेट एकदम ही पॉपुलर होने लग गया. इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस, उसका मतलब है देखने वाले लोग बहुत ही बढ़ गए थे फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. अभी सिटी को छोड़ के छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे टाउन में भी लोग देखने लग गए थे टीवी में. इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, क्रिकेट की मेन बेस को भी ब्रॉड कर दिया था. चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न इमिटेटिंग देयर हीरोज. अभी बच्चे लोगों के अंदर क्रिकेट गेम खेलने की इच्छा हो गई, वो भी उनको बेस्ट अपने अपने हीरो सिलेक्ट कर लिए क्रिकेट के और वो भी देखने लगे थे इंटरनेशनल मैच. The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for the cricket. फिर सैटेलाइट आने लग गया, सैटेलाइट अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारी, हम
हमको देखने मिलती है चैनल, अभी उसके अंदर लाइव देखने मिलता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट मिल गई, क्रिकेट भी एक मार्केट की तरह होने लग गया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। अगर सिडनी में मैच खेली जाती थी सैटेलाइट के वजह से, हम लोग उसको सूरत में भी बैठे बैठे देख सकते थे। सिंस इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम ऑल अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन, सबसे ज़्यादा देखने वाले कौन लोग हैं, इंडियंस, एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, सबसे बड़ा मार्केट जो है क्रिकेट के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, भी धीरे धीरे क्या हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, ग्रेविटी उधर बढ़ने लगी क्रिकेट की। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज बाई शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई, सबसे बड़ा कौन सा था सिम्बल, शिफ्ट हो गया, जो ICC के मेन जो हेडक्वार्टर्स थे वो लंडन से कहाँ शिफ्ट हो गए, दुबई में शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया। 150 years ago, the first Indian cricket, the Parsis, had to struggle to find an open space to play. अब 150 years ago, हिस्ट्री पूरी टोटली डिफरेंट थी, पारसी लोगों को लड़ना पड़ा था, झगड़ना पड़ा था क्रिकेट खेलने के लिए, उनको स्पेस के लिए, उन्होंने अपना खुद का जिमखाना खोला। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैड मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, अब इंडिया के प्लेयर को बहुत अच्छी पेमेंट मिलने लग गई है। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज द स्टेज, पूरा वर्ल्ड अभी स्टेज बन गया और इंडियन के टीम को देखता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, अभी इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस से एक बड़ा चेंज हो गया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेचर बाय द पेड प्रोफेशनल, अब क्या हो गया, अभी एमेचर का मतलब है जो पहले सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर प्रोफेशनल का मतलब है बहुत हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं। द ट्रायम्फ यानी जो उनकी जीत थी, द अचीवमेंट ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवर शैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, अभी क्या हो गया है, वन डे क्रिकेट में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने क्योंकि वो फास्ट होती है, टेस्ट क्रिकेट को कौन सी होती है, स्लो होती है, जहाँ पे बैट्समैन जल्दी आउट नहीं होते, स्लोली खेलते हैं, स्लोली रन्स बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि उतने टाइम तक उनकी टीम खेले, तो अभी ज़्यादा वन डे पॉपुलर हो गई है। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, अब कॉमर्स का मतलब होता है लाइक ट्रेडिंग ऑफ मनी गिव एंड टेक, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर हो गया है। Now this was an extract by Ramchandra Guha, he has written this, listen, adapted from chapter 7 of India and the Contemporary World, one text in history from class 9 NCERT. I hope you have enjoyed this lesson learning about the history of cricket. Meet you soon, bye for now.